जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, चार पॉइंटें हैं बहुत ही इंपोर्टेंट। फर्स्ट में आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द होगा। एनसीजेसीएम की बैठक होने वाली है दोस्तों आने वाले समय में, जिसमें कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है इस मीटिंग। दूसरे में बात करेंगे, DA 53% के आदेश जारी हो चुके हैं और अक्टूबर में इसका होगा भुगतान। तीसरे में बात करेंगे एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव, जाने क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। चौथे में बात करेंगे सीएचडी में ग्रोसरी और नियमों में भी बदलाव है, क्या वो बदलाव है उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले रोज की तरह आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को कार्यालय ज्ञापन अर्थात ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है, जिसका विषय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन 1 जुलाई 2024 से प्रभावी। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, इसमें कैबिनेट ने मंजूरी देने के बाद ये लेटर निकाला गया, एक कंफर्मेशन लेटर हो गया, जो कि 1 जुलाई 2024 से मूल वेतन में 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया। लेकिन ये लेटर उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सर्विंग है, लेकिन जो रिटायर्ड है उनके लिए इसके बाद ये लेटर निकाला जाएगा। तुरंत बाद ही वो लेटर आता है, इसकी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 1 या 2 दिन के अंदर पेंशनर्स के लिए भी लेटर आ जाएगा अलग अलग विभागों के लिए, जैसे कि रेलवे के लिए अलग आएगा, डिफेंस पेंशनर्स के लिए अलग आएगा। इस तरह से इसका लेटर फिर विभाग भी निकालते हैं दोस्तों, और जल्दी से अक्टूबर में इसका भुगतान भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगले में बात करेंगे दोस्तों, 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के गठन पर जल्द हो सकता है फैसला। कर्मचारी यूनियनों को एनसीजेसीएम की बैठक से बड़ी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय यानी कि नवंबर में इसकी एक मीटिंग होने जा रही है और उसमें कर्मचारियों को बड़ी इस पर आस है कि 8th पे कमीशन में सरकार कुछ न कुछ इस पर फैसला करेगी दोस्तों। अब फर्स्टली हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, एनसीजेसीएम है क्या चीज़? नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है। इसका काम क्या होता है दोस्तों कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए गठित एक समिति है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी संघों और सरकार के बीच एक संवाद मंच प्रदान करना है, ताकि कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन और सेवा शर्तों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके और समाधान उसका निकाला जा सके। और इसके जो सचिव हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, ये सचिव हैं इसके, और ये AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं। तथा हाल ही में आपने देखा होगा इनको कि जो UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा, सरकार और इनके बीच जो वार्तालाप हुआ था और उसके बाद ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर फाइनल आउटकम निकल के आया था दोस्त। अब इनको सर्वसम्मत से राष्ट्रीय परिषद के JCM ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव स्टाफ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी मार्च 2014 में दोस्तों। ये AIRF के जो महासचिव हैं, इसके अतिरिक्त ये जिम्मेदारी इनको सचिव के रूप में इनको दी गई है दोस्त। अब आपको पता है कि JCM में 36 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या है। JCM इन सभी कर्मचारियों की रक्षा के लिए छतरी की तरह काम करता है। अब इसमें 8th पे कमीशन में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, क्या इसमें कहा गया है वो थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों की उम्मीद है कि नवंबर में सरकारी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता मिल सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा इस पर नहीं हुई है दोस्त, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों की उम्मीद है कि नवंबर में सरकारी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता मिल सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के से जुड़े लोगों का कहना है, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM नवंबर में एक बैठक करेगी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रमुख, जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी, जैसे हमने उनके बारे में बताया, ने कहा है कि अगले महीने बैठक होगी और हमें उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग स्पष्टता मिलेगी, हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, ये इन्होंने बताया। तो अब इस पर आगे आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों, बैठक के बाद ही इस पर कुछ निष्कर्ष निकल के आ सकता है सामने। यह भी कहा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, बावजूद इसके कर्मचारी यूनियन को भरोसा है कि आयोग का गठन समय पर होगा और वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा दोस्तों। अगली अपडेट है NPS में फिर बदलाव, सरकार ने कर्मचारियों को दी सुविधा, चुनने की छूट, अब कितने समय बाद मिलने लगेगी पेंशन, यानी कि NPS में पेंशन
का टाइम हो गया तय। क्या टाइम हो गया तय दोस्तों? इसमें बताया इन्होंने कि एनपीएस रूल चेंज, सरकार के न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बार वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए इस पर दिया गया दोस्तों। और ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे हेडलाइन में इसमें क्या क्या होगा। एनपीएस में स्वैच्छिक रिटायरमेंट की अवधि तय हो गई है। सरकार ने 20 साल बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट की छूट दी है। इसका विकल्प चुनने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत दोस्तों 20 साल जैसे ही आपके पूरे होंगे तो आप अब वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते थे। ये नियम पहले नहीं था वॉलंटियर रिटायरमेंट का, अब इसमें ये नियम आ गया है। 20 साल खत्म होते ही आप ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीने पहले उसमें सूचित करना पड़ेगा कि मैं वॉलंटियर जाना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन देके उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसमें कितने साल बाद बनेगी पेंशन, ये यहाँ पर दिया गया है। 20 साल पूरी होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट को इसकी सुविधा मिलेगी और इसमें सभी सुविधाएं मिलेंगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को सरकार वह सभी सुविधाएं देगी जो पेंशन फंड नियामक रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA की ओर से निर्धारित रहती है। यह सभी सुविधा उसी तरह की होंगी जैसे रेगुलर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को दी जाती है। अगर कर्मचारी ने अपना कोई और NPS खाता खोल रखा है तो इसके बारे में PFRDF को सूचित करना होगा ताकि इसकी सुविधा भी उनको मिल सके दोस्तों। तो एक बड़ी इसमें सुधार माना जा रहा है कि अब इसमें 20 साल के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट कर्मचारी जा सकता है। अगले में बात करेंगे दोस्तों, एक CSD का अपडेट है जो 13 अगस्त 2024 का कैंटीन सेल OMG ब्रांच का लेटर है दोस्तों। इसमें है इश्यू ऑफ स्टोर्स टू डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स यानी कि यदि कोई पेंशनर डिसेबल्ड है तो उसके डिपेंडेंट्स को क्या ग्रोसरी या लिक्विड कलेक्शन वो कर सकते हैं, क्योंकि पेंशनर से डिसेबल्ड होने के बाद कैंटीन जाने में यदि वो असमर्थ है। यहाँ पर दिया है DDGCS IHQ ऑफ MOD भाइट डियर लेटर नंबर दिया है डेटेड 4 सितंबर 2023 हैज इंटीमेटेड दैट अथॉरिटी टू परमिट डिपेंडेंट्स ऑफ ओल्ड एंड सिक बेनिफिशरीज टू परचेज ग्रोसरी आइटम्स ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द इंटाइटल्ड बेनिफिशरी हैज बीन डेलीगेटेड टू द चेयरमैन ऑफ CPGPCS/URC। दूसरे में इसमें दिया हाउएवर लिक्विड विल ओनली बी इश्यूड टू द इंटाइटल्ड बेनिफिशरी। तो ऐसे बेनिफिशरी जो डिसेबल्ड हैं, जो सिक हैं, जो ओल्ड एज हो चुकी है जिनकी, उनके डिपेंडेंट या उनके सिबलिंग कैंटीन से सामान यानी कि ग्रोसरी ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड उनको नहीं मिलेगा। लिक्विड के लिए जो भी इंटाइटल्ड बेनिफिशरीज हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी। जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।